आप सभी का स्वागत है हमारे आज के गेम प्ले में। और ये गेम प्ले है नंबर हमारा 16। और देख रहे हैं आप एक बहुत ही बेहतरीन गेम जिसका नाम है द गोस्ट ऑफ सुशिमा, योद्धाओं वॉरियर्स वाली गेम। और अभी तक आप देख चुके हैं जिनने अपने अंकल लॉर्ड शिमुरा को खुटन खान की कैद से छुड़वा लिया है, और लॉर्ड शिमुरा को चाहिए अपना कैसल वापस खुटन खान से, जो उसने अपने अंडर कर लिया है, कब्जे में ले लिया है। और अंकल के कहने पर जोना के साथ पहुंचा है, अंकल के कहने पर ही पहुंचा है जिन जाइकावा की आर्मी को अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि वो उसकी मदद कर सके। जो जोना है उसका जाइकावा आर्मी के साथ अच्छा कंटेक्ट है, इसलिए उसी की मदद से जे आर्मी को अपने साथ मिलाना है। तो देखते हैं आज के गेम प्ले में कि क्या होने वाला है। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब करिए, और पहले गेम प्ले से इस गेम को देखना शुरू करें, ताकि सारी कहानी इस इंटरेस्टिंग गेम की आपको समझ में आए। तो बढ़ते हैं आज के गेम प्ले में, मेरे साथ बने रहिए। तो हमें अब मिलना है जोना से शायद, तो जोना के पास पहुंचते हैं। कोई अपग्रेड करा लिया जाए जहां से जाना। हमारा जो ये मिशन है उसकी तरफ देखते हैं, स्पिरिट ऑफ जाइकावा एवेंजर्स मिशन की तरफ चलते हैं। घोड़े पर चला जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा दूर ही है, वो नजदीक नहीं है वो बिल्कुल भी। नोबो के साथ चलते हैं। नोबो ट्रेड केयरफुली माय लॉर्ड, ये मारा है। What happened here? We were coming down the road and heard screams. ये मारी है मिथिक टेल। आज हम करेंगे पहले ये मिथिक टेल ही। They must have killed each other. No. It was the spirit of Jaikawa's vengeance. Spirit. You know some spirit of Jaikawa's vengeance. But not all. Long ago, the samurai अब इसे सुनते हैं हम जो यारिकावा स्पिरिट की जो टेल है, मिथिक टेल वो सुनते हैं। In every generation, one lord was taught their family secret, a deadly technique called the Dance of Wrath that could cut through any foe's defense. The Dance of Wrath found its greatest master in Lord Tokiasa Yarikawa. Though beloved by his people, he resented Clan Shimura's power. Desperate to seize control, he set off a bloody rebellion that claimed countless lives. Lord Shimura's father and brothers fell to Yarikawa's Dance of Wrath technique. But with Clan Sakai's aid, Shimura put down the rebellion and executed Lord Yarikawa. Before he died, the traitor vowed to avenge his conquered people from beyond the grave. Now they leave offerings to his spirit at shrines in old Yarikawa's ruins. They beg for their enemies to die, and the spirit of Yarikawa's vengeance answers their calls with the Dance of Wrath.
You believe these men were killed by that spirit? ये यारिकावा जो क्लैन था उसका जो लॉर्ड था वो एक बहुत बढ़िया तकनीक जानता था जिसको डांस ऑफ रेथ बोलते थे। वो अपने इस टेक्निक से बड़ी आर्मी को हरा सकता था और समुराई क्लैन ने इस टेक्निक को सीखने की कोशिश की लेकिन क्लैन का ही था उसने इस टेक्निक के सीख नहीं पाए लेकिन उसको मार डाला। जहाँ पर भी ये स्मोक्स दिखाई दे रहे हों उस स्पिरिट के होने के अंदाज़ा हो सकता है। हमें अब ढूंढनी है वो जो दिख रही हो स्मोक की वाइट स्मोक दिख रहा हो जो भी इस एरिए में उसी को एग्जामिन करना है वहाँ पर पहुँचना है और हमें वहाँ पर उस स्पिरिट के होने के अंदेश मिलेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे जिन्स का ही और ग्लैंस मुरा के भी उसके पतन के बारे में कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं साथ में। तो चलो जो भी है देखते हैं हम कहाँ मिलेगा जी जो है स्पिरिट ऑफ जारिकावा। इस एक तरह से इस भूत को ही ढूंढना है आज। तो चलो उस को फॉलो करते हैं उस एरिए को और देखते हैं क्या है उस एरिए में। किसी ऊंची जगह पर चढ़ा ना जाए वहां से चढ़ के देख लेते हैं। घोड़े पर ही चला जाए देखा जाए। मुझे लग रहा है काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी इस स्मोक को ढूंढने में। वो रहा दिख रहा है वहां पर चलते हैं हम घोड़े पर ही। तो चलो बढ़ते हैं उस धुएं की ओर और देखते हैं कौन सी स्पिरिट है। डेथ ऑफ रैथ ऑफ डेथ जो जे है स्किल बहुत बढ़िया होगा अगर सीख लिया तो। Someone left a message. ये जो है इनका एक तरह से दुश्मनी है इस क्लैन का जो जे स्पिरिट है समूरा और कह रहा है कि हमारे लोगों को टॉर्चर किया। वो किसी सर्वाइवर कैंप में भी हो सकता है कि सर्वाइवर कैंप में चला जाए अब रेफ्यूजी कैंप में। लॉर्ड सकाई अब जी मुझे लग रहा है फिर कोई स्टोरी सुनाएंगे। व्हिच वन ऑफ यू इज हेटरो आई एम समवन आस्क्ड द स्पिरिट ऑफ यारिका वाज वेंजेंस टू किल यू व्हाई वुड दे डू दैट ही इज अ मंगोल स्पाई स्नीक्स ऑफ एवरी नाइट फॉर आवर्स वोंट से वेयर ही गोस आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। If you're helping the Mongols, I will find out. I would never do that. Please, let me prove it. Make him confess, my lord. I'll explain, but not here. Follow me. कह रहा है जिन ने कहा कि वो आप लोगों को मारना चाहती है। अगर आप लोगों ने मंगोल्स का साथ नहीं दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा। अब जिनको इनको फॉलो करना है उनके साथ जाना है। Really? Where? On the road. Three bandits tried to rob me. जिन कह रहा है कि तुम्हें मेरी चिंता छोड़कर उस स्पिरिट के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो जिंदा जागता इंसान हूं। देखते हैं ये कहां लेकर चलता है भाई। This is where I come at night, my lord. A grave was buried here. His name was Tojiro. We were close. But his wife and family were at the camp. I can't explain why I visit without hurting them. I understand. But
the people at your camp don't. ये टोजीरो था जहाँ जो जहाँ पर दफनाया गया है। जैन उनको कह रहा है जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं, वो कह रहा मैं कहाँ पर जाऊँ फिर। जैन ने कहा कि चले जाओ इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, निकल जाओ। अब हमें और कोई फिर ढूंढना है, वही स्मोक। ऐसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गिरा है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ज़्यादा बड़े गिरे में अगर हमको ढूंढना होता तो फिर थोड़ा मुश्किल होता। ऐसे करते हैं हम, साथ साथ में मैप में देख ऑब्जर्व करते रहेंगे, उस तरफ चलते रहेंगे। लगेगा जहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, हम देख लेंगे कि उस तरफ ना जाएं। मैप को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो सही तरीके से पहुंच जाएंगे वहां पर हम जहां पर जाना है। डांस ऑफ रैप बहुत बढ़िया होगा, मैंने ये पढ़ा है इंटरनेट पर। स्किल है बहुत बढ़िया लड़ने का। क्या हम ऊपर पौड़ी पर चढ़ कर देखें, क्या सीढ़ी पर शायद दिख जाए तो। नहीं भाई कुछ भी नहीं पता लग रहा जहां पर, तो मैप को देखा जाए हैं तो सही जगह पर ही, ज़्यादा बाहर नहीं निकले हैं हम। अभी कोई दिखाई वो दिख गया है भाई, दिख गया भाई, दिख गया। उधर ही जाना है मुझे लग रहा है, जो दूसरा पॉइंट है। तीन बार तीसरे पॉइंट पे हमें कुछ बढ़िया क्लू मिल जाएगा उसके जो स्पिरिट का। यहाँ पर फिर मैसेज है, Mongols enslave our people. They camp along the Kushi River. Not far from the shrine. Destroy them. This is my fight, not the spirits. Kushi River के पास उन्होंने उनका कैंप है। मेरे ख्याल में मंगोल्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जिनको ही दे रहा है मैसेज। जहाँ पर ढूंढा जाए, जहाँ पर भी है। Shieldman, it took impressive skill to kill them. Not Mongols, ours. Why were they killed?
ये लोकल लोग हैं जो मारे हुए हैं, इनको पिंजरे में, इसको खोला जाए। Tell me what happened. The spirit, he cut through them all, then he left. ओ, ये भी स्पिरिट की बात कर रहा है। काट डाला, मार डाला, फिर चली गई ले। क्या बात है भाई? अब एक और स्मोक ढूंढना होगा, कोई और श्राइन ढूंढना होगा। स्पिरिट वहां पर गई होगी। एक और स्मोक ढूंढना है अभी। पीछे की तरफ चलते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा दूर हैं उस पॉइंट से, मुझे लग रहा है भाई। ऐसे चलते चलते पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। है तो मुश्किल ही ढूंढना, पर लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो बढ़िया ऐसे ही तो मिलने से रहा, तेल हल होने से रही, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इधर उधर दौड़ना भी पड़ेगा ही, जहां पर सप्लाईज ही हैं। दिख रहा है भाई, दिख गया धुआं दिख गया। उस तरफ चलते हैं अब। चलो भाई, ये मुझे लग रहा है ये आखिरी होना चाहिए। जहां पर ही मैसेज है, ये जिन के लिए होगा मुझे लग रहा है। नजदीकी कोई लड़ाई हुई है। तो लोग घोड़े पर बैठकर ही चलते हैं, निकल पड़ते हैं। ओए होए, मैं हमेशा ही गलती कर बैठता हूं यार। चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब क्या किया जाए। जहां पर सर्च करना है इसके अंदर चलते हैं हम, जहां से दरवाजा होगा। नहीं, इसका पहले हम कोई घुसने का जगह ढूंढते हैं। घुसने की जगह, किलर जा चुका है जहां से, किलर नहीं है वो, जहां पर है घुसने के लिए जगह। देखा जाए, अब लंबे समय से रह रहा था जहां पर कोई। मास्क था पहनने वाला। Infested with fleas. चटाई थी, ये उसका झंडा है क्लैन का, क्लैन यारिकावा का बैनर भी है। कुछ लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स भी हैं।
Need to look for another shrine offering. लॉर्ड जारीगावा जिंदा है ऐसे कुछ लिखा हुआ है उटपटांग। तो चलो हम निकलते हैं, अभी भी एक स्मोक को और ढूंढना है भाई। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे, जैसे तीन ढूंढे हैं एक और ढूंढेंगे भाई। घोड़े को बुलाते हैं पहले, तो अब स्मोक में देख लेते हैं मैप में हम कितनी दूर हैं, हो सकते हैं इस तरफ जाना ठीक रहेगा। तो चलो इस ओर जाना, नज़दीक उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, शायद पहुंच जाएं। ये इतने फायरफ्लाइज बड़े उड़ते दिखाई दे रहे हैं इस जगह पर, मुझे लग रहा हम पहुंच गए नजदीक उस जगह के। देख लेते हैं फिर मैप में, चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे जाना होगा मुझे लग रहा है। तो चलो पीछे बढ़ते हैं, नजदीक धुआं दिखा कोई अभी भी नहीं दिखा भाई। मैप में देख ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पता लग जाएगा कि दूर है नजदीक है, कितनी दूर और जाना पड़ सकता है। चलो मैप भी ठीक रहेगा भाई, नजदीक ही है, थोड़ा सा और आगे। बार बार इसी एरिया के नदी की सब कुछ दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है इस एरिया से कुछ भी। मुझे लग रहा है पहुंच गए हैं उस समूह के नज़दीक। सीढ़ी पर चढ़ें, चढ़ा भी जा सकता है। चलो वैसे ऐसे तो कुछ भी पता नहीं लग रहा है। कितना अंधेरा है, ऐसे तो ऐसे लग रहा है जैसे सचमुच में भूत आने वाली है, ऐसी शांति और ऐसा सन्नाटा, कोई स्पिरिट आने वाली है। मैं एक बात को देख रहा हूं, इतने फायरफ्लाइज, पता नहीं लग पा रहा है कहां पर जाना है, होना तो इसी एरिया में चाहिए कहीं कहीं। Hey.
एकदम शर्लक होम्स ही बन गया है जिन तो। बोल रहा भाई मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, दूंगा वही है मुझे लग रहा है। Sakai is the last of his clan and a servant of the dog Shimura. Lead him to the garden of the gods so they may witness his death. Prayer to the spirit. To kill me, I'll go to the garden of the gods and end this. Garden of gods mein jana hai, jo keh rahe hain ki jo hai jin Sakai hai wo Lord Shimura jo kutta hai उसका कुत्ता है लॉर्ड शिमुरा। मुझे लग रहा है लॉर्ड शिमुरा को वो पसंद नहीं करते। गार्डन ऑफ गॉड में जाना है और मुझे लग रहा है जिनको मारना चाहते हैं वो। आखिरी बारिश है वो जिन स्काई है जो अपने क्लैन स्काई का जहाँ जो है अभी गार्डन ऑफ गॉड्स है उसमें वाइट फ्लावर्स हैं, ये तो पता लग गया। अब वो वाइट फ्लावर्स वाली जगह ढूंढनी है, वहाँ पर चलना है। ये वाइट फ्लावर्स थोड़ा सा मुश्किल तो है ये ढूंढना। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सी बात है ऐसी। लॉर्ड शिमुरा का इनके साथ लफड़ा था, लॉर्ड शिमुरा ने इनको मारा था यारिकावा को। लॉर्ड शिमुरा की पूरी क्लैन के साथ, यारिकावा क्लैन के साथ ही दुश्मनी है मुझे लग रहा है। लो भाई हम मुझे लग रहा है पहुंच गए गार्डन ऑफ गॉड में। आवाज सी आ रही है, कोई स्पिरिट बुला रही है। ओ नहीं, लोग हैं लोग हैं। ओ भाई जे तो पूरी जहां पर वो है फायरफ्लाइज, यही गार्डन ऑफ गॉड तो नहीं है। ओ जे कह रहे स्पिरिट अंदर ही है, गार्डन ऑफ गॉड्स में गई है वो स्पिरिट। फायरफ्लाइज भी वहीं पर हैं, तो हम चलते हैं भाई अब अंदर। एक स्पिरिट से लड़ना होगा। ये जो हमारी इसी टेल का मिशन बहुत लंबा हो गया है, अभी और भी थोड़ी सी देर लगेगी जहां पर खत्म होने में। I am the wind that stirs the ashes. Oh, Agi spirit. You spill blood using a technique that died with a clan of traitors. Who are you? A samurai's daughter? Did you survive the rebellion? No one survived. This is a land. गद्दारों के साथ मिलकर जैन कह रहा है तुमने ये टेक्निक का प्रयोग किया। अब इसके साथ ड्यूल करना है। The peasants who bow to you, the merchants who smile as you pay them, all Yarikawa prays for the death of Clan Sakai and Shimura. Not everyone, some forgive. The rest weep for revenge. I will bring them comfort. कह रही है कि कुछ लोगों ने चाहते हैं कि तुम मर जाओ। जिनका कहना है सभी नहीं जाते, कुछ लोग ही होंगे। अब इसको मारना है भाई, भूत के साथ फाइट हो रही है, स्पिरिट के साथ। बहुत बढ़िया बात है भाई, इसका डांस ऑफ रैथ सीखने को मिलेगा। डांस ऑफ रैथ या डेथ ऑफ रैथ, डांस ऑफ रैथ शायद ये था। मैं तो आधा कंफ्यूज हुआ, डांस ऑफ रैथ या डेथ ऑफ रैथ मुझे भूल गया था।
What are you doing? Learning. I know how to defeat you. No, you will. कह रही तुम क्या कर रहे हो? जिन कह रहा मैं सीख रहा हूँ तुम्हारी टेक्निक. ये कह रही तुम मरोगे. जिन को आ गई तेरी टेक्निक. ले भाई अब तू तो गई. The dance of wrath belongs to me now. I use it as you should have. कह रही है कि जिन ने कहा कि तुम अच्छी वॉरियर थी पर लेकिन दुश्मनों के हाथों चढ़ गई. अब जो तुम्हारी टेक्निक मेरी हुई. साथ ही साथ भाई साहब हमारी ये जो थी यारिका वा वेंजेस तेल भी फिनिश हुई. अब हमारा अगला मिशन जो है वो अपडेट हो गया है. वो देखते हैं कौन सा है भाई. देखा जाए मिशन को. योना को मिलना है. जे मुझे टाका और योना की आवाज सुनाई दे रही है. नजदीक ही है दोनों. कहीं टाका योना को कह रहा था कि सॉरी. ये आर्चर्स को ढूंढना है. टाका साथ में आना चाहता था. कह रहा था कि जारिकावा में रहा तो मैं यूजलेस रहूंगा. उसकी बहन जोना नहीं चाहती कि वो साथ में आए. जिन ने कहा कि तुम संभल के रहना तो फिर आ सकते हो. अपनी बहन की बात सुनना मेरी बात सुनना तो चल सकते हो अगर नहीं तो नहीं. अब हमें ढूंढना है आर्चर्स को जो जहाँ पर गुम हो गए थे. तो चलो चलते हैं हम अब. जोना के साथ इसको एग्जामिन करते हैं. ये आर्चर के द्वारा ही मारे गए हैं. तीर निकाल लिए गए हैं. पैरों के निशान हैं. तीन चार आदमी हैं. इन इस ट्रेल का पीछा करते हैं और चलते हैं. अब जहाँ पर ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई. एक बात कहूँ मैं. ये जहाँ पर फिर हैं. पता नहीं लग रहा जहाँ पर कहाँ पर जाना है. क्या हम सही जा रहे हैं? उस तरफ देखते हैं.
हाँ ये निशान सही जा रहे हैं भाई। ये इस तरफ जा रहे हैं, निशान इसका पीछा करते हैं, बढ़िया रहेगा। धीरे धीरे इस घर की तरफ जा रहे हैं, इस घर के अंदर जाके देखा जाए। ओ बियर आ गया, बियर। जोना डागा को कह रही है कि केयरफुल रहा करो। गोजा मैट जहां पर सोते थे वो लोग, जो भी थे जहां पर। एरोज भी हैं, कुछ मिला है जोना को? बाहर जाकर देखते हैं उसके पास क्या मिला है उसको। जहां पर आग लगाई गई थी वो अभी भी फॉर्म है, इसका मतलब थोड़ा समय हुआ उनको निकले हुए जहां से। तो चलो नजदीक के एरिया को एग्जामिन किया जाए। एक्सप्लोसिव बैरल्स हैं मंगोल्स के, ये आर्चर्स ने चढ़ाए हो सकते हैं। ट्रैक्स हैं, पैरों के निशान हैं। ओ दिख है वो आर्चर, वो सर को थोड़ा सा नीचे करके जा रहे हैं। तो जिन ने कहा कि किसी कारण से ही जा रहे होंगे, हम भी ऐसे चलते हैं, उनके पास चलते हैं, पता करते हैं क्या है मसला। इनके साथी पकड़े जा चुके हैं, उनको छुड़वाना होगा मेरे ख्याल में। ये देखते हैं कि कैसे छुड़वाया जा सकता है, सर्वे करते हैं एक तरह से कैंप का। आर्चर्स उन्होंने पकड़े हुए हैं, उनको छुड़वाना होगा। इनके एक्सप्लोजिव को इनके अगेंस्ट ही यूज कर देते हैं, वो एक्सप्लोजिव उनके रास्ते में खड़े कर देते हैं और तीर चलाकर उनको आग लगा देंगे ताकि वो लोग मर जाएं। जोना टाका कह रही है घरों के अंदर चले जाओ, वो कह रहा नहीं मैं यहीं पर रहूंगा, मैं लड़ूंगा। जिन कह रहा है जोना, जिनको कह रही है इसे समझाओ, जिन भी कह रहा है कि टाका खुद अपना फैसला ले सकता है। जिन कह रहा है क्या तुम डर रहे हो, टाका कह रहा नहीं, जोना तो निडर है, बहुत नहीं डरती। जिन कह रहा है सभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी डरते हैं। जिन कह रहा है मुझे अपने अंकल के लिए डर लगा था जब मंगोल ने उन्हें पकड़ लिया था, क्योंकि वो मेरी अकेली फैमिली है, जैसे तुम अपनी
बैन के लिए अकेली फैमिली हो। बैरल को शूट करना है जब वो नजदीक पहुंच जाए। अब मारा जाए इनको। मैं सोचता हूँ नीचे जाके लड़ा जाए, बढ़िया रहेगा भाई। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे हैं एक आदमी रह गया, किया जाए इसको खत्म। जे भाई लीडर मार दिया। वाटर स्टांस अनलॉक, जो जो स्टांस था हमारा वो मून स्टांस था वो अनलॉक होने वाला है। तो 3 लीटर और मार लेंगे इसको, मारा जाएगा। दो रह गए हमारे मूनस्टांस अनलॉक होने में। मुझे लग रहा है सभी मारे गए। अब म्यूजिक तो चल रहा है भाई, अभी एक आध बाकी है अभी भी। अब सभी मारे गए, अब जो काकू से बात करनी है। द काकू हो जा क्या हो क्या है इसका डाइकोकू, डाइकोकू जे, जिनको अभी से गोश्त मान लगा क्या है कि उसकी उनकी जो हथियार है बड़े से उनको तबाह करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। टाका डकाकू के साथ जा रहा है। जोना बात कर रही थी जिनसे कि टाका गिर गया था, वो उसको चोट लग सकती थी, मर भी सकता था कहीं। वो कह रही है कि वो मेरा भाई है, उसके लिए मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं डिसाइड करोगे। तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचो, मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचूंगी।
वह कोई फाइटर नहीं है उसके कहने के अनुसार, पर जिन कह रहा है कि उसके बारे में उसको खुद को सोचने दो, तुम उन्हें उसे बनने नहीं दे रही, आगे नहीं बढ़ने दे रही। वो बढ़िया फाइटर बन सकता है, पर जोना कह रही है कि वो मेरी फैमिली है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, उसके बारे में मैं ही सोचूंगी, तुम कौन होते सोचने वाले, उसके बारे में मैं अपने आप ध्यान रखूंगी कि उसको क्या बनना है। अब देखते हैं भाई कौन सा मिशन किया जाए, जर्नल खोल दिया जाए, उसमें से ज्यादा बढ़िया पता लगेगा मैप की बजाय। जहां फास्ट ट्रेवल करके कहीं पर पहुंचा जाए, कौन सा मिशन सही रहेगा अब, जहां जो चल रहा है मिशन उसी को पूरा किया जाए। द गोस्ट ऑफ यारिकावा, इस मिशन को पूरा करते हैं। तो यही बढ़िया भाई, देखा जाए मैप पर कहां पर है, जे थोड़ी दूरी पर ही है वैसे तो। बात करनी है इससे, करते हैं बात, डाइकोको से बात करते हैं। ये जिन को एक तरह से गोस्ट ही समझता है, टाका से बात करते हैं अब। मंगोल्स विचलित हो रहे हैं कि यारिकावा सरेंडर नहीं कर रहा, वो भी कल अटैक करेंगे, इसलिए कल तक का इंतजार करना होगा, आज रेस्ट करते हैं। जैन कह रहा है कल अटैक होगा, जो भी होगा। जो ना ऊपर है उसको जाकर मिलना है। ओ नहीं भाई, हमारे पास कोई भी अपडेट कराने के लिए नहीं है चीज, कटाना मैंने सोचा था अपडेट करा लेते हैं। कलर ले लीजिए, आर्मर के कलर समुराई क्लेन आर्मर, स्काई का आर्मर है जो ले लिए जाए, क्या फर्क पड़ता है। कोई एक और आर्मर मिलेगा, अनडिस्कवर्ड आर्मर दिखाई दे रहा है, तो चलो भाई। हेड का कलर जे भाव का कलर चेंज करा लेते हैं, मैं कहता हूं भाई। अब हम मिलना है जोना को, इस तरफ ही है जोना, टावर के ऊपर चलना है जोना के पास। चलो भाई पौड़ी चढ़कर चलते हैं ऊपर, और तो मुझे लग नहीं रहा जहाँ पर कोई चीज़ हो लूटने के लिए। सब देख लिया एरिया, ऊपर चलना बढ़िया रहेगा, इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है।
पहुंच गया जिन जोना के पास। जिन कह रहा जोना को, क्या तुम भी जाग रही हो अभी? समुराई मारा गया, एक फार्मर्स मारे जाएंगे। जिन कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि बचा सकूं। ये कह रही है जिन तुम्हें मेरे से ज्यादा तुम्हें जरूरत है इस दारू की, साके बोलते हैं इसको। ओ भाई कितनी खत्म कर दी इन्होंने। जोना कह रही है मेरी मदर इसको पीती थी, चाय की चाय समझ के पी लेती थी, चाय की तरह। जिन कह रहा है कि वो एक डिमांडिंग औरत थी। टाका की आम तोड़ दी थी उन्होंने जब टाका 6 साल का था। जिन कह रहा है तुम बहादुर हो, ब्रेव हो, जिसने अपने भाई को बचाया। जिन कहता है कभी कभी हमारे पास यही चॉइस होती है कि जो भी हमारे पास है उससे दूर भाग जाएं। यही चॉइस होती है, जैसे जोना को अपनी मदर से दूर भागना पड़ा अपने भाई को लेकर। हमला हो गया भाई मंगोलियंस का। तो चलो बढ़ते हैं अब आगे। मंगोल्स आ गए हैं, टाका ने बता दिया है मेन गेट की तरफ चलना है अब। सभी जिन को गोस्ट बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि गोस्ट हमें बचाओ। जिनका कहना है जिस भी मंगोल ने जहां पर पैर रखा वो अपनी जान से जाएगा। अब सभी को मारते ही आना है, मारते ही आना है, किसी को नहीं छोड़ना। एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। एकदम घोस्ट की तरह सभी लोग जिनको घोस्ट मानते ही हैं, अब घोस्ट की तरह लड़ना भी होगा।
लो भाई ये भी खत्म, इसको मारा जाए। अब दूसरे गेट की तरफ बढ़ते हैं। अब ब्रिज की तरफ चलना है। मुझे लग रहा है सभी मर गए हैं। तो हम आज का गेम प्ले भी हम यहीं पर खत्म करते हैं और इससे आगे अगला गेम प्ले में हम देखेंगे क्या होता है। तो बने रहिए हमारे गेम के गेम प्ले के साथ। तो मिलते हैं अगले गेम प्ले में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, नाइस टाइम, सी यू लेटर।